फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में गोलगप्पे भी बनाऊंगी और गोलगप्पे का पानी भी बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे, ये हमने हरा धनिया लिया है, 2 पिंच अदरक ली है, 5 हरी मिर्च ली हैं। तो सबसे पहले हम इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इनको पीस लेंगे। अब हम इसमें एक चलनी रखेंगे और चलनी में हम इसको डाल देंगे। अब हम इसको छानेंगे थोड़ा पानी डाल के। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। ये देखिए, हमने इसको छान लिया। अभी ये थोड़ा मोटा मोटा रहा है, इसको हम फेंक देंगे। ये हमारा ये पानी निकल गया है इतना। अब देखिए, हम इसमें 1 चम्मच सफेद नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें इमली डालेंगे, इमली का पानी है। ये मैंने इमली पहले ही भिगो के रख दी थी 1 घंटा पहले। अब इसमें हम इमली का पानी डालेंगे। थोड़ा और डालेंगे। और अब हम इसको फेंक देंगे, ये जो बचा हुआ है चलनी में इसको फेंक देंगे। और एंड में अब हम ये बूंदी डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल बाजार जैसा पानी बनाएंगे। इस ग्लास में भर के रख देंगे। अब हम दूसरा पानी बनाएंगे। ये तो मिर्च का तीखा पानी बन गया है, अब हम खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। अब ये देखिए, हमने इमली का पानी ले लिया है। अब हम इसमें जो है चीनी ऐड करेंगे। एक, दो, तीन, 4। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम पीना है तो कम लें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च डालेंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे 1 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, भुना हुआ जीरा डालेंगे 1 चम्मच,
काला नमक डालेंगे एक चम्मच, इसको घुमाएंगे, और इसमें ये बूंदी डाल देंगे, अभी थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ। वाओ, बहुत ही टेस्टी पानी बना है, गोलगप्पे वालों से भी बहुत ही टेस्टी पानी बना है। अब हम इसको ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम सूजी गूंथेंगे। ये मैंने एक कप जो है सूजी ली है, ये मैंने छान ली है पहले ही, और 3 टेबलस्पून जो है इसमें ऑयल डालेंगे, 2, 3 डालते हैं, कम पड़ेगा तो फिर डालेंगे, और 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। और अब हम इसको ये गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी तेज लेना है, हल्का नहीं लेना, तेज लेना। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के और गूंदेंगे। इसको हाथ से गूंदेंगे। देखिए, इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। अब देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब ये थोड़ा देखो टाइट हो गया है। अब हम इसको इस पे रख के थोड़ा सा और गूंथेंगे। अब ये देखिए बहुत टाइट हो गया है, और गोलगप्पे का आटा जो है टाइट ही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे गोलगप्पे। इसको बहुत टाइट होना चाहिए। अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे। इसको हम बेलेंगे। अब देखिए हम इस कुकी कटर की मदद से इसको काटेंगे। आपके पास कोई गिलास हो या कटोरी हो उससे भी आप काट सकते हैं। अब मैं इसे काटूंगी, और इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है बेलने में, और ना ज़्यादा पतला रखना है। ऐसे कर लेंगे सब। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा हम हटा देंगे आटा।
ये ऐसे बन गए हमारे, इनको रख लेंगे इस ट्रे में। ये देखिए ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। सब ऐसे करके बना लेंगे। अब देखिए ये भी हम बना लेंगे। ऐसे करके सारे हम बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए सारे बना लेंगे हम ऐसे करके। और ये एक्स्ट्रा आटा हम दूसरे में बेल के बना लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए हमने सारे गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं सूजी के। अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें तेल गर्म करेंगे। ये देखिए ऐसे करके हम सारे गोलगप्पे बना लेंगे। देखिए गोलगप्पे तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये हमने पानी पहले बना के रख लिया था, ये तीखा पानी है, ये खट्टा मीठा पानी है। और ये हमने आलू उबाल लिए थे स्टफिंग के लिए, और ये छोले हैं। अब ये देखिए एक गोलगप्पा आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए अब इसमें हम छोले भरेंगे और ये आलू भरूंगी। और ये पानी भरूंगी। लीजिए आप भी खाइए। बहुत बढ़िया मस्त।